हेलो गाइस, और आपके लिए और एक नई वीडियो लाया हूँ जो कि जो कॉल बाजार होता है तो ये हॉस्पिटल में लगा होता है ज़्यादातर। तो आप लोग को बता दो, अभी हम लोग बाजार चेंज करने वाले हैं, बाजार कैसा कनेक्शन करते हैं वायरिंग का। और आप लोग को बता दो, अभी हम लोग ये बाजार जो आप लोग को दिख रहा है अभी इसमें से 5 बाजार खराब, इसको चेंज करने वाले है। देखो ये 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ये बेल पुश करके हम लोग बाज़ार को चेक कर रहे हैं कौन सा चेंज करना है और कौन सा ख़राब है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ये बाज़ार है, अभी हम लोग ने ये नया बाज़ार लाया जो कि आप लोग को बता दूँ ये जो बाज़ार ज़्यादा क्यों ख़राब होता है आपको पता है, क्योंकि ये ज़्यादातर पावर कम ज़्यादा होने की वजह से भी ख़राब होते हैं। और आप लोग को बता दूँ अभी हम लोग जो वायरिंग कनेक्शन करेंगे, ये कोई न्यूट्रल ये वायर है, ब्लैक वायर और जो रेड वायर है ये फेज है, मेन कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसके अंदर। ओके गाइस, और आप लोग को बता दूँ ये जो ब्लू वायर दिख रहा है जो स्पीकर वायर स्पीकर होता है उसके अंदर कनेक्शन करना है, और जो ग्रे वायर दिख रहा है आप लोग को ये बेल स्विच के अंदर कनेक्शन करना है। ओके गाइस, जब बेल स्विच ऑन करते हैं तो ये लाइट ऑन होता है। ओके गाइस, तो ये लाइट ऑन होते है तो ये जो ग्रे स्विच दिख रहा है आप लोग को इसको प्रेस करके ये लाइट बंद हो जाता है। ओके गाइस, और आप लोग को बता दूँ ये जितने भी लाइट ऑन है ये बाज़र अच्छे है, तो अभी हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं ये बाज़र को, जो बाज़र जो ख़राब है तो अभी हम लोग इसको निकालते हैं। ओके गाइस, और अभी हम लोग जो वायरिंग का कनेक्शन है तो इसको जो रेड वायर है उसको पहले शुरुआत में बंद कर देते हम लोग, जो ये एक एक वायर ज्वाइंट है तो अभी हम लोग एक एक करके वायर को निकाल दिए चेक करके। ओके गाइस, अभी जो लाइन से हम लोग बाज़ार को सब लाइन से लगाना है तो अभी हम लोग ये लाइन से नहीं लगे थे नंबर वाइज। और आप लोग को बता दूँ जो वायर हम लोग ने कटिंग करा है देखो उसके ऊपर हम लोग ने जो बाज़ार का स्विच बिल स्विच लगा था तो वहाँ से जो काउंटर जो कैबिन में से अंदर से आया है जो वायर बिल स्विच का, तो अभी हम लोग ने जब देखो कैबिन वाइज हम लोग ने नंबर वाइज हम लोग ने ये वायर के ऊपर लगा दिया। ओके गाइस, नंबर डाल दिए जो कि वायर चेंज ना हो, तो अभी हम लोग ने देखो ये सब वायरिंग कटिंग करा है बाज़ार का जो स्विच बाज़ार के जो वायर कनेक्शन था, तो अभी हम लोग ने एक साथ में वायर को कटिंग करा है जो कि वायर पहचान में। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ये जो ब्लैक वायर दिख रहा है जो आप लोग को न्यूट्रल वायर बताया था ये न्यूट्रल वायर है, और आप लोग को बता दो जो स्पीकर की वायर है ब्लू वायर एक साथ में ज्वाइंट थी तो अभी हम लोग ने एक साथ इसको कटिंग कर दिया जो कि वायर पहचान में। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ये जो दूसरी वायर दिख रही है आप लोग को ये फेज वायर है जो कि आप लोग को बता दूँ देखो इसके अंदर रेड वायर दिख रही होंगी बारीक वायर, ये देखो ये बाज़ार की वायर है रेड वायर जो कि ये फेज वायर है। ओके गाइस, तो आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाए। देखो अभी हम लोग ने सब वायरिंग कटिंग करके इसको जो प्लेट हम लोग ने डायरेक्ट निकाल लिए है तो इसको जो लाइन से नहीं लगे थे बाज़ार हम लोग ने लाइन से इसको फिट कर दिया। ओके गाइस, ये देखो सब लाइन से हो गए अभी टोटली बाज़ार। और आप लोग को बता दूँ जो ये बाज़र कनेक्ट करा है हम लोग ने और जो वायरिंग कनेक्शन करा है जो ब्लू वायर दिख रही है आप लोग को अभी हम लोग ने एक साथ ज्वाइंट करके एक वायर में अटैच कर लिया है, जो कि एक साथ में ज़्यादातर ज़्यादा ऐसा गुलची हो गई थी तो अभी हम लोग ने इसको सही से निकाल कर एक वायर में ज्वाइंट कर लिया है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ने देखो जो रेड वायर है इसको भी हम लोग ने एक साथ में ज्वाइंट कर लिया है जो कि वायर समझ में आए। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ने एक साथ में इसको वायर को ज्वाइंट कर लिया है, तो अभी हम लोग एक वायर सब ये वायर को कनेक्शन करके एक वायर में ज्वाइन कर लेते हैं। ओके गाइस, अभी देखो एक साथ में दो दो बाज़र करके हम लोग ने ज्वाइन कर लिए है, देखो सब ये ब्लू वायर एक साथ में ज्वाइन करे थे तो अभी जो रेड वायर है उसको भी हम लोग ये ऐसा येलो वायर के अंदर ज्वाइन करे तो इसको भी हम लोग रेड वायर के अंदर ज्वाइन कर लिए। ओके गाइस, देखो अभी हम लोग ने ये ज्वाइन कर लिए वायर को भी, ये फेज वायर है और जो नीचे वायर दिख रही थी आप ब्लू वायर ये न्यूट्रल वायर है, ये देखो ब्लैक वायर जो आप लोग को दिख रही होंगी
ये तो कोई ये ऐसा कैसा ज्वाइंट मारा है, तो अभी हम लोग को जो ब्लैक वायर है उसको भी वैसे ही ज्वाइंट मार लेंगे। ओके गाइस, और आप लोग को बता दूँ, ये तो कोई फेज वायर को हम लोग लास्ट में ज्वाइंट करेंगे, और जो येलो वायर है इसको भी हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं। और ये जो ब्लू वायर दिख रही है ये स्पीकर की वायर है। ओके गाइस, और इसके अंदर एक न्यूट्रल वायर कनेक्शन हो जाएगा, इसके अंदर बोर्ड के अंदर ही न्यूट्रल ले लेंगे हम लोग। और जो आप लोग को बता दूँ, ये न्यूट्रल वायर है, और जो कैबिन के अंदर जो बेल का स्विच है वहाँ से ये ग्रे वायर ज्वाइंट हो जाएगा। ओके गाइस, और आप लोग को बता दूँ, अभी हम लोग ने जो ब्लैक वायर ज्वाइंट कर लिया है जो कि वायर पहचान में है, अभी हम लोग ने येलो वायर ही ज्वाइंट करा है ब्लैक वायर में। ओके गाइस, तो ये न्यूट्रल वायर है जो कि डायरेक्ट कनेक्शन चालू रहता है। ओके गाइस, तो ये रेड वायर और न्यूट्रल वायर न्यूट्रल फेज डायरेक्टली चालू रहता है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ने इसको वायर को हम लोग ने एक साथ ज्वाइंट करके एक वायर के अंदर अटैच कर दिया है जो कि बाद में सप्लाई के अंदर ज्वाइंट हो जाएगा। ओके गाइस, जो कि तीनों भी यार हम लोग ने ब्लू रेड और ब्लैक वायर तीनों भी एक साथ अलग अलग वायर में हम लोग ने ज्वाइंट कर लिया है, जो कि मार्किंग न्यूट्रल की मार्किंग है हम लोग ने टेप की मार्किंग कर दी है। ओके गाइस, जो गिरे वायर दिख रही है आप लोग को, अभी हम लोग एक एक वायर चेक करके हम लोग ने पहले ही मार्किंग कर दिया था, तो अभी हम लोग एक एक वायर चेक करके जो कैबिन के जो एक ऐसा बेल स्विच होता है, तो अभी हम लोग कैबिन के अंदर बेल स्विच लगा होता है तो ये यहाँ पर ऑन करेंगे, कैबिन के अंदर ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो बजर जो दिख रहा है आप लोग को ये लाइट ऑन होता है। ओके गाइस, तो आप लोग को बता दूँ, ये जितने भी ग्रे वायर दिख रही है, और जो आप लोग को बता दूँ, जो येलो वायर हम लोग ने ज्वाइंट करे थे, तो अभी ये ब्लू वायर भी कटिंग करे थे पहले, तो अभी हम लोग ने जो ब्लू वायर दिख रही है आप लोग को, ये हम लोग ने वायर ज्वाइंट कर दिए। ओके गाइस, ये बाजार की जो ब्लू वायर है, ओके गाइस, एक साथ में ज्वाइंट करके इसके अंदर जो स्पीकर की वायर लगी है, ओके गाइस, ये स्पीकर के अंदर नीचे ज्वाइंट है बोर्ड के अंदर। और आप लोग को बता दूँ, ये जो ब्लैक वायर दिख रही है ये न्यूट्रल वायर है, आप लोग को पहले ही बताया था ये न्यूट्रल वायर है जो कि सप्लाई डायरेक्ट चालू रहता है बोर्ड के अंदर से कनेक्शन होके। ओके गाइस, न्यूट्रल फेस डायरेक्टली चालू रहता है, तो अभी हम लोग ये जो ब्लैक वायर है, तो ये जो बजर की जो न्यूट्रल वायर है ब्लैक वायर, तो इसके अंदर हम लोग कनेक्शन कर देंगे पहले। ओके गाइस, और आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाए। ओके गाइस, और आप लोग को बता दूँ, पहले हम लोग ये जो फेज वायर दिख रहे हैं इसको ज्वाइंट नहीं करेंगे क्योंकि ये सप्लाई सब बाजार के अंदर सप्लाई आ जाएगा इसके लिए। और आप लोग को बता दूँ, ये बाजार को जो फेज वायर होता है उसको पहले ज्वाइंट नहीं करना है, आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ, जो कि सप्लाई इसके अंदर कनेक्शन चालू हो जाता है। ओके गाइस, इसके लिए हम लोग इसको लास्ट में लगाएंगे फेज वायर को। ओके गाइस, और आप लोग को बता दूँ, ये जो अभी हम लोग ने जो कैबिन की जो बेल स्विच की वायर बाहर इधर आई है काउंटर पे, तो अभी हम लोग को जो दिख रही है आप लोग को बाजार की वायर एक एक गिरे वायर, अभी हम लोग को स्विच का जो बेल स्विच होता है तो एक एक वायर हम लोग ज्वाइंट कर दिया, हम लोग ने जो नंबर वाइज डाल दिया था, तो अभी हम लोग उसके हिसाब से हम लोग ये बाजार के अंदर ज्वाइंट करेंगे गिरे वायर में। ओके गाइस, अभी हम लोग ये देखो दो नंबर, अभी हम लोग चेक करते हैं पहले दो नंबर, ये देखो दो नंबर वायर है, दो नंबर कैबिन का ये वायर है बेल स्विच। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ये गिरे वायर इसके अंदर ज्वाइंट कर दिए, ये देखो दो नंबर हम लोग ने ज्वाइंट कर दिया, आप लोग को बता देता हूँ, ये देखो ये दो नंबर का बाजार है। ओके गाइस, और अभी हम लोग तीन नंबर का बाजार जो गिरे वायर है उसके अंदर ज्वाइंट करते हैं कैबिन की वायर, ये देखो तीन नंबर की। ओके गाइस, देखो अभी हम लोग ने तीन नंबर की कैबिन का ये बाजार के अंदर गिरे वायर के अंदर ज्वाइंट कर दिया। ओके गाइस, ये देखो तीन नंबर का वायर ज्वाइंट हो गए, अभी हम लोग चार नंबर का भी वायर ज्वाइंट करेंगे, देखो पहले वायर चेक कर लेते हैं, देखो ये वायर है, तो अभी हम लोग इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं चार नंबर के बाजार के अंदर। ओके गाइस, ये देखो अभी हम लोग ने ज्वाइन कर दिए, और अभी हम लोग पाँच नंबर का भी बेल स्विच का जो गिरे वायर है, अभी हम लोग पाँच नंबर का भी कैबिन का भी ज्वाइन कर लेते हैं। ओके गाइस, और आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाए। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग को ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी। ओके गाइस, और अभी हम लोग ने छः नंबर के भी ज्वाइन कर लिए है। ओके गाइस, ये देखो आप लोग को बता दूँ, ये देखो ये सब हम लोग ने एक एक वायर ज्वाइन कर लिए है, दस नंबर ग्यारह नंबर। ओके गाइस, ये देखो अभी हम लोग ने सब वायर ज्वाइन कर लिया है, देखो फेज वायर भी हम लोग ने ये देखो ये ज्वाइंट कर लिया है, जो कि आप लोग को बता दूँ लास्ट में हम लोग ने ज्वाइन कर लिए है।
और अभी हम लोग एक एक कैबिन का देखो ये बजर चेक कर लेते हैं। ये देखो अभी 3 नंबर का 4 नंबर का चालू हो गया है, देखो 5 नंबर का भी चालू हो गया। ओके गाइस, अंदर से हम लोग बेल स्विच का जो स्विच होता है अंदर से हम लोग चेक कर रहे हैं कैबिन के अंदर से बेल स्विच ऑन करके। देखो 6 नंबर का भी चालू हो गया है, 6 नंबर कैबिन का। ओके गाइस, अभी हम लोग 7 नंबर का कैबिन का बजर चालू करेंगे। ये देखो अभी ये चालू हो जाएगा, देखो अभी चालू हो गया है। अभी 8 नंबर का भी चालू हो गया है, अभी 10 नंबर का भी चेक करेंगे हम लोग। अभी 8 नंबर का बंद कर दिया हम लोग ने, ये देखो 8 नंबर का चालू हो गया, रिटर्न चेक कर रहे दोबारा। अभी 10 नंबर का भी चेक करेंगे हम लोग। अभी देखो अंदर गया है कैबिन के अंदर भाई, अभी अंदर से ऑन करेंगे तो ये बजर चालू हो जाएगा। देखो बजर चालू हो गया है। अभी 11 नंबर का भी जो बजर है इसको भी चेक करते हैं हम लोग। ये देखो भाई कैबिन के अंदर गया अभी, अभी देखो आप लोग को बता देता हूँ। ये देखो ये बजर भी चालू हो गया। ओके गाइस, ये देखो अभी एक लास्ट का बाकी है 2 नंबर का, जो पहले नंबर का ही वही लास्ट में हम लोग चेक कर रहे हैं। ये देखो अभी अंदर गया कैबिन में भाई, अभी देखो ये 2 नंबर का भी बजर चालू हो जाएगा। ये देखो चालू हो गया, सब चालू हो गए, आप लोग को चेक करके बता दिया हूँ। देखो आप लोग को कभी ऐसा वीडियो नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके गाइस, और आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को वीडियो कैसे लगी। ओके गाइस।